नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हिमाचल प्रदेश में जो कि आई है 51 वैकेंसी, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके स्वीपर, क्लर्क, ड्राइवर, कंडक्टर तक वैकेंसी है इसमें आई हुई, जो कि 51 वैकेंसी है। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपके अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा इसमें। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो ये जो कि वैकेंसी है ये हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में निकली हुई है। 51 वैकेंसी निकली हुई है, 28 तारीख को ये नोटिफिकेशन आई है और 18 मार्च इसकी लास्ट डेट भरने की है। तो आप भर सकते हैं। और जो कि आपने ऑनलाइन आवेदन करना है, वेबसाइट है जिसके लिए www.hpnlu.ac.in, यहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ फाइल ये प्रोवाइड करा दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी है लॉ ऑफिसर की है, 2 वैकेंसी है जनरल ओपन के लिए, और यहाँ पर साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ ये 1 साल के लिए ही है। कोई क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर है वो लीव पे गए हैं, उनकी जगह पे यहाँ पे एक प्रोफेसर रख रहे हैं 1 साल के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे रहेगी 50,000 पर मंथ और 37,000 से 67,000, जो कि पहले ऊपर लॉ ऑफिसर है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप आगे देख सकते हैं, जो कि एज़ पर UGSC के नॉर्म के अकॉर्डिंग ही रहेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर क्रिमिनोलॉजी, तो 1-1 वैकेंसी है इसमें भी। तो यहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू UGSC के नॉर्म रहेगी। यहाँ पे आगे बताया भी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो फाइनेंस ऑफिसर की 1 वैकेंसी है जिसमें 37,000 से 67,000 तक सैलरी है पर मंथ, और यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए आपकी कॉमर्स में, जो कि 55% से ऊपर चाहिए आपकी डिग्री, और साथ में आपका UGSC से अगर आपके 7 पॉइंट से ऊपर ग्रेड पे में ग्रेड स्केल जो कि होता है आपका पॉइंट आती है, अगर डिग्री आपकी ग्रेड पॉइंट्स में तो CGPA है, तो उसमें 7.0 से ऊपर आपकी CGPA होनी चाहिए, और एटलीस्ट 15 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और भी यहाँ पे बताया गया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप PDF फाइल में डिटेल्स में देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे एज बताइए 55 साल तक आप भर सकते हैं, और ऊपर जो कि प्रोफेसर है वहाँ तक भी 55 साल का है। तो यहाँ पर लीजन ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी निकली हुई है। असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में होना चाहिए, और व्हीकल एंड लीजन विद वेरियस यहाँ पे होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी एज और 3 ईयर एक्सपीरियंस एज सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 में होना चाहिए, और एज दी गई है 55 साल तक, मैक्सिमम एज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 55 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक और वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए, और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट एंड PCU से सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोआ एंड डिस्पेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ड्राइवर कम ऑफिस अटेंडेंट की 4 वैकेंसीज है, यहाँ पे ग्रेड पे भी देख सकते हैं आप, 5,000 से 20,000 तक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी, यहाँ पे मैट्रिक मांगी गई है, और मस्ट पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि आपके पास मीडियम लाइट STB लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मीडियम HTB और HMB भी चल पड़ेगा, यहाँ पे मीडियम भी बताया गया है, लाइट व्हीकल हिली टेरन का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, इसके लिए 4 वैकेंसी है जिसमें ओपन के लिए 1-2 है, और SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, और क्लर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 7 वैकेंसी है जिसमें जनरल के लिए 3 है, SC ओपन के लिए 2 है, और OBC ओपन के लिए 1 है, और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई यहाँ पे, +2 पास मांगी गई है, और आपके पास होना चाहिए टाइपिंग स्पीड 30 आनी चाहिए, और MS ऑफिस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है आपके पास, बस जस्ट नॉलेज होना चाहिए कस्टम माइनर का, जो कि कंप्यूटर फील्ड में होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे केयर टेकर की 1 वैकेंसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन +2 मांगी है, और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ हॉस्टल का होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस, और यहाँ पे कितना भी एक्सपीरियंस हो आपके पास, यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस और नहीं बताया गया है। कंडक्टर कम ऑफिस अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन आपके वहाँ होनी चाहिए, और कंडक्टर का यहाँ पे लाइसेंस आपके पास होना चाहिए वैलिड है। 1 वैकेंसी है कंडक्टर के लिए, और ड्राइवर के लिए मैंने आपको ऊपर बताया है कितनी वैकेंसी थी, ड्राइवर के लिए 4 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे कंडक्टर के लिए 1 वैकेंसी है, तो इसके लिए आप भर सकते हैं 10th पास और कंडक्टर का लाइसेंस। और पीयून की 6 वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये सारी की सारी, जो कि नीचे की थी और ऊपर की रेगुलर बेसिस पे थी। तो यहाँ पे 6 वैकेंसी है, जनरल की 1 है, SC ओपन की 2 है, और OBC ओपन की 2 है, और EWS की 1 वैकेंसी है, और यहाँ पे आपके पास पीयून के लिए भी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए 10th पास। और सिक्योरिटी गार्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 6 वैकेंसी है, जनरल ओपन की 4 है, और SC ओपन की 1, OBC ओपन की 1, तो जिसमें आपके पास 10th
थी मांगी है 10 पास हुए, आप होने चाहिए 10th पास होने चाहिए। और स्वीपर की यहाँ पे 10 वैकेंसी है, जनरल ओपन की 6 और एससी ओपन की 2 है, ओबीसी ओपन की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, और यहाँ पे मैट्रिक होनी चाहिए। और आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपके पास प्रेफरेंस होना चाहिए, अगर आपने कहीं पे क्लीनिंग का काम किया, कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी वहाँ पे मिलेगी। और अटेंडेंट फॉर गर्ल्स हॉस्टल के लिए 2 वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट ही वहाँ पर चाहिए, सिर्फ फीमेल है एलिजिबल है। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होने चाहिए आप, और माली के लिए आप 8th पास होने चाहिए, मिडिल पास होने चाहिए, और 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है, और इसमें आपके पास MSc कंप्यूटर साइंस, MSc IT, MIT हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सुपरविजन कंप्यूटर लैब एस्टेब्लिशमेंट। और यहाँ पे आपके पास अगर MCA भी है और उसके साथ 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब सुपरविजन का, अगर आपके पास MCA तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं है। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की एक और वैकेंसीज यहाँ पे नीचे दी गई हुई है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास +2 मांगी गई और 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए आपके पास, एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड प्रेफरली 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए, +2 पास, और मिनिमम आपके पास 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, कस डिप्लोमा कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो, चाहे DCA का हो या फिर सॉफ्टवेयर का हो, और 2 ईयर का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की 1 वैकेंसी दी गई है, फिर उसके बाद तो इलेक्ट्रिशियन की 1 वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन +2 पास दी गई है, और आपके पास ITI होनी चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा ट्रेड इन इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड से होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे प्लम्बर की भी वैकेंसी है, और +2 पास होने चाहिए और इससे इक्विवेलेंट, और 1 ईयर डिप्लोमा इन ट्रेड ऑफ प्लम्बर ITI का होना चाहिए आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि मान्य प्राप्त होगा। और यहाँ पे कारपेंटर की एक वैकेंसी है, और उसमें आपके पास मैट्रिकुलेशन मांगी गई है और 1 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि मांगा गया आपके पास कारपेंटर ट्रेड में, जो कि ऊपर प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी थी, इसमें आपके पास +2 होनी चाहिए, 10th पास आप एलिजिबल इसके लिए नहीं हो अगर कि वही 10th पास हो। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।